लॉकडाउन में अगर सामान बहुत कम हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइए। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 चम्मच ये 3.5 चम्मच दही ले लिया। उसी चम्मच से हम 3 चम्मच भर के ले रहा हूँ मैं ये चीनी, पिसी हुई चीनी, और इनको एक बार अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब 2 यही वाली चम्मच से हम कुकिंग ऑयल लेंगे, अपने रिफाइंड ऑयल ही लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हम ले लेंगे ये 1/2 कप मैदा और 1/2 टीस्पून ले रहे हैं बेकिंग पाउडर और 1/3 टीस्पून हमने ले लिया है खाने वाला सोडा, ये बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से स्टीव कर लेंगे, छानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अब यहां हमने 1/2 कप दूध लिया है तो वो दूध थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है। फिर थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट से ज़्यादा ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, एकदम फ्लोइंग में है और बिल्कुल लम्स फ्री, जरा सा भी लम्स इसमें ना रहे। आप इंश्योर कीजिए इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। और इसमें 1/2 चम्मच ये वेनिला एसेंस, ये भी इसमें ले लेंगे, वो भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने जो 1/2 कप दूध लिया था इसमें भी इतना बच चुका है, इस्तेमाल किया है 1/2 कप का भी 1/2 बच गया है, वो भी अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ कुछ किशमिश मैंने ले ली है और आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको साइड में कर देंगे। अब हमें यहाँ पे लेना है 2 ग्लास और ग्लास में थोड़ा सा इस तरह से हम कुकिंग ऑयल ले लेंगे थोड़ा थोड़ा मैदा, और अब हमारा मिक्सर इसमें डाल देंगे।
तो यहाँ इक्वल क्वांटिटी में हमने ये मिक्सचर दोनों ग्लासेस में ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले एक कुकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं धुएँदार हो चुका है, काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। और इस पर मैंने एक प्लेट को उल्टा रख दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इस प्लेट को उल्टा रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमारे ग्लास रख देंगे। बहुत ही संभल के आपको रखना है क्योंकि कुकर काफ़ी गर्म होगा तो टच ना होने पाए। और अब इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। और इसका हमने रबर और सीटी दोनों निकालना है। और फ्रेंड हम इसको 25 मिनट तक अच्छे से इसको बैक कर लेंगे। लगभग आधा घंटा हो चुका है, प्रेशर मैंने पूरा हवा जो है निकाल दी थी। छुरी अंदर डाल के देख लेते हैं तो बिल्कुल क्लीन और नीट होके बाहर आई है। तो यहाँ का गैस सबसे पहले बंद करके इनको बाहर निकाल लेंगे। इस केक को हम निकाल लेंगे। एकदम परफेक्ट आप देख सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर है और कंप्लीट कुक हुआ है, एकदम बैलेंस में आप देख सकते हैं। और सॉफ्ट कितनी है आप ये भी देख लीजिए, सॉफ्ट और स्पंजी, ये देखिए। और इसको काट के भी देख, वाह। तो ये हमारी केक बनके तैयार है। तो कितनी सॉफ्ट आप देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट और टेक्सचर भी कितना प्यारा है आप देख सकते हैं। एक बार तोड़ के भी देख लेते हैं। और थोड़ा है तो जरा चख के भी देख लेते हैं। एकदम बढ़िया, एकदम टेस्टी। जरूर बनाइए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।